हाय स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले की बात वापस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। कल हम बात कर रहे थे अलग अलग चीजों की। हमने बात की थी कि अगर हमारे पास कोई भी वाल एक पानी है और पानी का हमारे जो बर्तन है बीकर है, उसमें बीकर में पानी पी रहे, पानी भरा हुआ है तो और ऊपर टेम्परेचर बढ़ा है तो कैसे बिहेव करेगा। अगर हमारे पास आइस है, बर्फ है, बर्फ पर टेम्परेचर बढ़ा है, तापमान बढ़ा है तो वो किस टाइप से आगे बढ़ेगा। एक एक्सपेरिमेंट के जरिए हम लोग देखते हैं। पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा बर्फ का हमने बात कर रखी है, यहाँ पे साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी ऊपर बताते हैं जो क्लियर करने को पूरा समझ में आए। यहाँ हमारे पास एक स्टैंड लगा हुआ है, इस टाइप की बिल्डिंग लगी हुई है, उसके ऊपर एक पोर्ट के बर्तन लगा हुआ है, यहाँ से एक स्टोव लगाया हुआ है और स्टोव से फ्लेम्स बाहर निकल रही है। इसमें क्या है, इसमें आइस रखी हुई है, इसमें आइस रखी हुई है, ऊपर में ये पूरा आइस है। ये पूरा आइस इसमें रखा हुआ है और इस आइस का जो टेम्परेचर है, इस आइस का टेम्परेचर है स्टार्टिंग में -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सिनेरियो है कि हमारे पास ये बर्तन है, बर्फ रखी हुई है, टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ से उसको गर्म कर रहे हैं। तो हमारे पास एक थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर हमारे पास है और इस थर्मामीटर से हम इसका टेम्परेचर भी लगा सकते हैं, तापमान माप सकते हैं इस थर्मामीटर। अगर मैं इसको तापमान बढ़ाने की बात करूं तो गर्मी दे रहा हूं, इसका तापमान गर्मी कितना होगा, -6 या -4। जो -6 बोल रहे हो गधे, -6 कैसे होगा, -4 क्यों, क्योंकि -5 ज्यादा ठंडा, -4 उससे कम ठंडा, -3 उससे भी कम, -2 उससे कम, फिर -1 उससे कम, फिर 0 उससे भी कम, फिर 1, फिर 2, इस टाइप से बढ़ती जाओ है ना। तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान थर्मामीटर है, गर्म करना स्टार्ट करें थोड़ी देर बाद थोड़ी देर में -5 से टेम्परेचर होगा -4। क्या बर्फ पिघली क्या नहीं, बर्फ नहीं पिघली, बर्फ कितने पर पिघल होती है, बर्फ का जो गलन बिंदु है जिस बिंदु पर गलन स्टार्ट होती है वो गलन बिंदु होता है इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और पानी का वास्तविक बिंदु जो होता है, पानी का वास्तविक बिंदु जो होता है, पानी का वास्तविक बिंदु जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वास्तविक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए टेम्परेचर कितना होगा, अभी -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, थोड़ी देर बाद -4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, फिर -3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, लेकिन इन सभी फॉर्म्स में रहेगी क्या बर्फ, बर्फ पिघलेगी क्या नहीं, क्योंकि बर्फ कितने डिग्री तक बर्फ बनी रहेगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि 0 डिग्री पे बर्फ से क्या बनता है पानी, गलन बिंदु का क्या मतलब है, मतलब अगर बर्फ से बर्फ किसमें कन्वर्ट हो रहा है पानी में तो ये क्या होता है गलन प्रक्रिया। अगर पानी किसमें कन्वर्ट होता है वाष्प में तो ये कहलाता है वाष्प की क्रिया।
जब हम देख रहे हैं कि माइनस पांच से माइनस चार हुआ, टेम्परेचर तो बढ़ते जा रहा है लेकिन बर्फ बनी हुई है, बर्फ पिघली नहीं है, बर्फ की बर्फ नहीं बनी रही है। तो इस पर जो बर्फ है अगर से इसको इस एक्सिस को ले लेते हैं समय, तो इस एक्सिस को लेते हैं तापमान, माइनस पांच से मैंने स्टार्ट किया ऊपर की साइड बढ़ती जाएगी भाई चले, तो माइनस पांच से ऊपर बंद हो जाएगी माइनस चार, सबको यहाँ माइनस चार है, यहाँ माइनस तीन, यहाँ माइनस दो, यहाँ माइनस एक, यहाँ जीरो, कुछ कैसे बन जाएंगे करेक्ट। तो मैं इसको थोड़ा छोटा ले लूंगा, जब तक बड़ा ग्राफ बना सकते हैं माइनस चार सपोज यहाँ होती है माइनस एक और यहाँ होता है जीरो करेक्ट। तो ये होगी क्या, ये जो ग्राफ है ग्राफ किस टाइप से पड़ेगा, ग्राफ माइनस पांच से स्टार्ट होगा धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं ये जीरो तक पहुंचा, वास्तव में तो कुछ बीकॉम क्या बीकॉम होता है स्टैंड फॉर वेब डायरेक्ट
जो आपको अच्छे से याद